अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इमली वाले खट्टे आलू। तो देखते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं। ये मैंने 1 kg आलू लिया है और मैं इसको बॉईल करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको बॉईल करने के बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या मसाले जाएंगे। ये आलू को मैंने बॉईल करके काट लिया है और ये कुछ मसाले हैं इसमें। 4 tablespoon ये स्पून से 4 tablespoon ये इमली का पल्प है। ये 1/2 teaspoon राई, 1/2 teaspoon जीरा, हरा धनिया है, कड़ी पत्ता है, 2 tablespoon लाल मिर्च है, 2 pinch हल्दी है और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये चाट मसाला है 1/2 teaspoon, ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है, और ये 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर है। 2 tablespoon इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ज़ीरा और राई का डाल दूँगी और ये कड़ी पत्ते भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं ये इमली का पल्प इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी और ये जो सारे मसाले थे ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको थोड़ा अच्छी तरीके से भूनूँगी। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी और इस मसाले को मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी और फिर मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। दो मिनट अच्छी तरीके से भून चुका है और इसका तेल भी थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपने आलू को ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया अभी ऐड करूंगी। तो देखो फ्रेंड्स, ये बन चुका है। अब मैं आपको इसको सर्व करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारे आलू बन चुके हैं। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Boom, boom, boom.